बहला फुसलाकर नाबालिग ने किया 4 साल की बच्ची से रेप। पीड़ित बच्ची को यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में किया गया भर्ती। ताजा मामला जिला यमुनानगर का है, जहां बहला फुसलाकर एक नाबालिग ने 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस बात का जब उसकी मां को पता चला तो उसे भी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 4 साल की इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हो चुका, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस मासूम के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात हो गई है, जिसे पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर अंजाम दिया। जब वह बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी तो उसने अपनी माँ को इशारों से बताया। बच्ची से घटना के बारे में सुनते ही बच्ची के परिजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बच्ची को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद वह महिला पुलिस के साथ पहुंचे। परिजनों ने बताया कि 4 साल की उनकी बच्ची के साथ एक नाबालिग ने गलत काम किया है। बच्ची का मेडिकल करवाया गया और पोस्को एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर नाबालिग युवक को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटी 4.5 साल की बच्ची के साथ कोई गलत कार्य हो गया है, जिस सूचना पर मैं और LSI सुषमा वहाँ पहुँचे और पहुँच कर जो परिजनों की दरखास्त प्राप्त करके उस पर मुकदमा दर्ज कर दी गई। मुकदमा दर्ज करके हमने बच्ची का मेडिकल कराया और उसके बाद लड़के को भी अपनी हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की तथा उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, और जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद हमने उसको बोस्टर जेल के आर्डर होने पर बोस्टर जेल अम्बाला छोड़ दिया। इसमें धारा 6 पोस्को एक्ट तथा 364 IPC 564-506 IPC का मुकदमा दर्ज किया है। ठीक है।